ये इंसान थे, आप सभी का नमस्कार, स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में जी हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में देखेंगे। आपको पता होगा 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा सीटें आपकी बीजेपी ने जीती है, लेकिन बताना चाहता हूँ कि बीजेपी बहुमत से चूक गई है। किसे? बहुमत से चूक गई है। तो आज के वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं मैं आपको लोकसभा चुनाव के बारे में। किसके बारे में जी? आपका लोकसभा चुनाव के बारे में आपका पूरा डिटेलिंग यहां पे देने वाला हूं। फ्रेंड आप पूरा वीडियो देख लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको और डिटेलिंग पूरा लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपका 2024 लोकसभा के बारे में। पहले मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा जी, आपके लोकसभा चुनाव 2024 के पूरे थ्योरी को पढ़ेंगे। साथ ही साथ अपन जो लोकसभा चुनाव के 2024 में जो रिजल्ट आए हैं, किनको कितना कितना सीट मिला, उसके बारे में पूरा डिटेलिंग देखेंगे। साथ ही साथ आपका जो लोकसभा चुनाव के साथ साथ आपके 4 राज्यों में आपके विधानसभा चुनाव हुए उनके बारे में देखेंगे। साथ ही आपके 7 फेज में लोकसभा चुनाव हुए उनको डिटेलिंग से देखेंगे कब क्या क्या हुआ, और निर्वाचन आयोग का पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। साथ ही साथ आपका जो EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उनके बारे में डिटेलिंग से देखेंगे, और लास्ट में आपका लगभग हम लोग 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ये आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको पता है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए। ये आपका नरेंद्र मोदी सर जी हैं। फिर उसके बाद आपका जो लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में देखते हैं कि 4 जून लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए। 10 साल बाद देश में किसी दल को, कितने साल, 10 साल बाद देश में किसी दल को बहुमत नहीं मिला है। NDA को बहुमत मिल गया है, लेकिन भाजपा बहुमत से चूक गई। किनको मिला है? NDA को। किसको मिला है जी? NDA को मिला है, भाजपा बहुमत से चूक गई है। बीजेपी एक बार फिर देश में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उसे चुनाव में 240 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को 99 सीट पर सिमट गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुत बड़ा उलटफेर हुआ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है, उसने 37 सीटों पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी को 33 सीटों पर जीत मिली है, और कांग्रेस ने भी यूपी में 6 सीटें ली है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी वहाँ पे बन के आई है। ठीक है, ये हो गया लोकसभा चुनाव की पूरा डिटेलिंग, किस पार्टी ने क्या क्या जीता, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना। अब उसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव जब हुआ उसके साथ आपका 4 जगह, कहाँ पे, 4 जगह आपका क्या हुआ जी, 4 जगह विधानसभा चुनाव हुआ। पहला आपका सिक्किम, ठीक है, यहाँ पे आपका सिक्किम, ये सिक्किम में हुआ। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर उड़ीसा, और उसके जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश। 4 जगह आपका क्या हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा चुनाव के साथ साथ कहाँ कहाँ आपके विधानसभा चुनाव हुए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आपके क्या हुए जी, आपके विधानसभा चुनाव हुए। ठीक है, आपको सबको पता होगा कि जो लोकसभा अभी 2024 का चुनाव हुआ, 7 फेज में लोकसभा का चुनाव हुआ। सबसे पहला फेज था हमारे यहाँ भी वोटिंग हुआ 19 अप्रैल छत्तीसगढ़ में, फिर दूसरा फेज आपका 26, फिर तीसरा फेज है आपका वोटिंग का 7 में। टोटल आपके 7 फेज में हुए, और आपका नतीजा कब आया जी, 4 जून को नतीजा है। कितने जून को? 4 जून को आपको नतीजा है। सबको इसके बारे में डिटेलिंग से पता है। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग, चुनाव करवाने में निर्वाचन आयोग का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। पूरा चुनाव का मैनेजमेंट सारी चीज़ें कौन करती है? निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग के बारे में डिटेलिंग इसलिए पढ़ना है क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, क्या लोकसभा, आने वाले हर एग्जाम में आपके लोकसभा चुनाव से, साथ ही साथ लोकसभा से, निर्वाचन आयोग से, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसको डिटेलिंग से पढ़ेंगे। MCQ के माध्यम से हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपका क्या बोल रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। पहला क्वेश्चन यही पे बनेगा, कौन सा निकाय है? संवैधानिक निकाय है, जो कि भारतीय लोकतंत्र की एक आधारशिला है। निर्वाचन आयोग का कार्य भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी माध्यम से चुनाव को संपन्न कराना। इसका कार्य क्या है? भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी माध्यम से चुनाव को संपन्न कराना। भारतीय संविधान अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में? 324 में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, कौन से अनुच्छेद में? 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन के बारे में निम्नलिखित प्रावधान है। किसके बारे में? भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में।
पहला है इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, क्या है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर तय की गई संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। तो क्या है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ से ये पता चला कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा जी, आपका राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, उन चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़िए, वहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे ना, अगर निर्वाचन आयोग से पूछा जा रहा है तब। ठीक है, अब उसके बाद जो है ईवीएम मशीन, क्या है ईवीएम मशीन, उसमें और निर्वाचन आयोग में उसका उम्र है, सारी चीज़ें आगे वीडियो में पढ़ेंगे अपन, है ना। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में कहा जाता है कि यह न केवल चुनावी प्रतिक्रिया को आसान बनाती है बल्कि उसे विश्वसनीय भी बनाती है। इसके काम करने का तरीका सटीक और तेज होता है और इससे मतगणना भी बहुत तेजी से हो जाती है। सबसे अहम बात, इसमें एक ही व्यक्ति वोट डाल सकता है जिससे अमान्य वोटों की संभावना खत्म हो जाती है। ओके जी, यह है आपका ईवीएम के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग। अब बताता हूँ, यहाँ पे लोकसभा चुनाव 2024 में 543 सीटें, लोकसभा चुनाव 2024 में कितने सीटें, 543 सीटों के लिए पाँच सौ तिरालीस सीटों के लिए 7 चरणों में क्या हुआ, चुनाव हुआ। उसमें जर्नल कितने थी जी, जर्नल 412, अनुसूचित जनजाति एससी है आपका 84, अनुसूचित जाति ना, और एसटी है 47। ये डाटा पूरा याद करना पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जर्नल है 412, एससी है 84 और एसटी है 87 सीटें, इसमें 543 में 7 चरणों में टोटल इसका चुनाव हुआ। अब यहाँ पे अपन क्या है, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। अब एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व के बाद अपन ये अभी थोड़ा सा चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग देखते हैं। क्या है, यहाँ पे भारतीय समाजवादी पार्टी के बाद, किसके, समाजवादी पार्टी के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस कहाँ की है, पश्चिम बंगाल, टीएमसी ने 29 सीटों पर, कितने, 29 सीटों पर आपने दर्ज की है, 29 सीटों पर किसने के दर्ज की है, बड़ी कामयाबी हासिल की है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया। ऐसे भी बीजेपी आपका पश्चिम बंगाल और यूपी, कहाँ, पश्चिम बंगाल और यूपी से बहुत उम्मीद था कि यहाँ से हमको अच्छे खासे सीट मिलेंगी, लेकिन दोनों जगह से उनको मात खानी पड़ी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को भी बड़ी सफलता मिली है, उनकी पार्टी शिवसेना उद्धव ग्रुप ने इस चुनाव में 9 सीटें पर जीत दर्ज की है। उनके गठबंधन सहयोगी एनसीपी शरद पवार गुट ने 7 और शिवसेना शिंदे गुट ने 7 और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी राम विशाल ने 5 सीटों पर विरोधियों को मात दी है। आपका कुरैशी ने, अवेशी ने पार्टी AIMIM को 1 सीट पर जीत मिली है, वह अपनी हैदराबाद की सीट बचाने में कामयाबी मिली है। ठीक, और थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं यहाँ पे, आपका बीजेपी ने कहाँ कहाँ, एमपी में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्यून शिफ्ट किया है, किसने, बीजेपी ने। अन्य दलों की बात करें, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 सीटें, आंध्र प्रदेश की जनसेवा पार्टी को 2 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी को 2 सीटें, जनता दल को 2 सीटें, ठीक है, विथुलई चिरुथलय को 2 सीटें और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीटें, ऐसे करके सबको अलग अलग सीटें मिले, ये आपको जानकारी होना चाहिए, बाकी याद करना जरूरी नहीं है। ठीक, अब देखते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में और डिटेलिंग। लोकसभा चुनाव 2024 को सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है, क्योंकि 2024 और 19 में दोनों ही बार बीजेपी ने अपने पूरे बहुमत हासिल कर लिया था, लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत की जादुई आंकड़े को नहीं छू पाई। कितना बहुमत चाहिए था, 272, वहां तक नहीं पहुंच पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव जीते हैं, ये भी याद रखना कि अभी प्रधानमंत्री बनेगा कौन, नरेंद्र मोदी, पूछ सकता है कि कहाँ से उन्होंने चुनाव जीता, वाराणसी से जीता है। हालांकि 2024-19 की तुलना में 2014-19 की तुलना में 24 में उनकी जीत सबसे छोटी रही है। पीएम मोदी ने
ये चुनाव 1.52 लाख वोटों के अंतर से जीता है। ठीक, देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आए हैं। प्रधानमंत्री किसके बाद? जवाहरलाल नेहरू के बाद। ओके जी, ये चीजें आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। साथ ही साथ अपन लोग वो तो देख ले विधानसभा चुनाव, ये फेज भी देख ले, निर्वाचन आयोग, इनके बारे में पूरा डिटेलिंग बताया हूँ। यहाँ पे निर्वाचन आयोग को बोला था और डिटेलिंग बचा है। यहाँ पे क्या है, जो निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार, कब? निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का 6 वर्ष की अवधि के लिए, कितना? 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले वो पद पर बने रहते हैं। मतलब इनका रिटायरमेंट कब होता है? 6 साल तक या फिर 65 वर्ष तक, दोनों दोनों में से जो पहला हो जाए। किनका? निर्वाचन आयोग, किनका? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त का। निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को पत्र लिखकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। मतलब अगर इस्तीफा देंगे तो किनको देंगे जी? राष्ट्रपति को। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही और उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है। कहने का मतलब जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनको उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन्हीं की प्रतिक्रिया, जैसे उनको हटाते हैं उन्हीं की प्रतिक्रिया के समान से उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है एग्जाम व्यू से। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं। जो निर्वाचन आयोग है 91 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्तों को समान वेतन भत्ते और अन्य शर्तें मिलती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। पहले भी बता लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे? सुकुमार सेन। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अभी वर्तमान में कौन है मुख्य? आपका राजीव कुमार, ये जी हैं वो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और साथ ही साथ आपका ज्ञानेंद्र कुमार ये चुनाव आयुक्त, और सुखबीर संधू ये भी चुनाव आयुक्त हैं। दो लोग अतिरिक्त होते हैं तो एक ज्ञानेंद्र कुमार और सुखबीर संधू। ठीक, आपको ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में देखते हैं। यह इसका प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? 1982 में केरल में किया गया था। पहला क्वेश्चन कब? 1982 में किया गया था। बस बाकी इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी यह जो हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से होता है आगे। ठीक है, अब देखते हैं जो लोकसभा चुनाव 2024 का टैगलाइन क्या था? क्या था जी? चुनाव का पर्व, देश का गर्व। बहुत इम्पोर्टेंट है ना, टैगलाइन याद रखना, चुनाव का पर्व और देश का गर्व, इसका क्या था? टैगलाइन था। ठीक, अब यहाँ से अपन थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है? 2024 में कौन सी क्रम का हुआ है जी? आंसर दीजिए, कौन सी क्रम का हुआ है? 17वें नंबर का क्रम का क्या हुआ है? चुनाव हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? विश्व रिकॉर्ड बनाया ना मतदान देकर, कितने करोड़ लोगों ने? 64.2 करोड़ लोगों ने आपका मत देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या होती है? बहुत सरल क्वेश्चन लेकिन बहुत बार पूछा गया, कितना है न्यूनतम आयु आपका? 25 वर्ष। कितना जी? ऑप्शन नंबर डी, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया? कब हुआ? 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ, कब? 1952। तो पहला क्वेश्चन यही पेपर है, 1952 में पहला लोकसभा चुनाव, कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 राष्ट्रीय दलों ने आपका भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुआ? देखो अभी जस्ट बताया कब हुआ, 52। ठीक, तो ए ऑप्शन होगा कि बी ऑप्शन होगा, अब ये आप लोग आंसर करके जरूर दीजिए कमेंट करके। मैं लास्ट में बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आप लोग इसका आंसर दीजिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 52। अब देखो 1951 से 52 और 1952 से 53 दोनों दिया गया है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए, क्या होगा जी इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, बाकी लास्ट में तो मैं इसका आंसर बताऊंगा ही। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है?
सबको पता होगा कितने वर्ष बाद होता है जी, आपका 5 वर्ष, ये 8 लिखा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष, पीडीएफ में मैं सुधार दूंगा। साथ ही साथ जो नए हैं उनको जानकारी देना चाहता हूँ, इसका पीडीएफ आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके प्राप्त कर सकते हैं, या फिर मेरा मोबाइल नंबर है 7566199260, यहाँ पे भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जैसे आपको सुविधा लगे। ओके, तो आपका 7वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? लोकसभा का गठन कब किया गया था? 52 में किया गया था, 1952 में किया गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र, जो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र निम्न निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत करता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र, लोकसभा के उप अध्यक्ष को त्याग पत्र प्रस्तुत करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, क्योंकि अभी लोकसभा हुआ है, निर्वाचन आयोग, इनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है, इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है, किसको? लोकसभा को कौन रखता है जी, स्पष्टीकरण से कौन? आपको एक तो ए ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए या बी में कंफ्यूज हो गए, अब दोनों में से कंफ्यूज हो गए, दोनों में से कंफ्यूज हो गए, क्या होगा इसका आंसर? लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, क्या हो जाएगा जी आपका? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? अब भी स्टार्टिंग में बताया, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं जी? 543, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 543, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया था? स्वतंत्र भारत का कब आयोजित किया था आपका? 13 मई 1952, डायरेक्ट याद करना, रट लेना, क्या है? 13 मई 1952, 13 मई 1952 को किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? मतलब एक वर्ष में, वर्ष मतलब एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? कितने सत्र होते हैं नहीं पता होगा तो आप लोग जान लीजिए, टोटल 3 सत्र होते हैं। कितने जी आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पे डिटेलिंग देखते हैं, लोकसभा के टोटल एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। पहला आपका बजट सत्र, कब से? फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा मानसून सत्र, जुलाई से सितंबर तक अभी आएगा मानसून सत्र। फिर शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर के मध्य चलता है। टोटल कितने सत्र हुए जी आपके? 3 सत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या पूछा है ना, अधिकतम संख्या क्या है? अपन लोकसभा के भी देखे 543, लेकिन अधिकतम संख्या 552, कितना जी आपका? 552 है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितना है? 552। ठीक है, क्या है जी आपका? 552 है। नेक्स्ट है आपका, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका आंसर आप लोग सब कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी मैं बताया हूँ मुख्य चुनाव आयुक्त, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। इसकी अवधि 6 से 65 वर्ष, बताया हूँ जो भी पहले हो। चुनाव आयुक्त और साथ में कौन है, कौन है जी? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, तो पहले भी बताया हूँ, सुकुमार सेन, यहाँ पे भी टोटल आपको डिटेलिंग दे दिया हूँ इम्पोर्टेंट फैक्टर ग्रुप में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा की प्रथम उपाध्यक्ष, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बहुत बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट लगा के रख लेना, कौन? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? सबको पता होगा इसका आंसर, कौन है आपका? मीरा कुमार, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, उनकी अधिकतम सीटें कितनी होती है? कितनी होती है जी? जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी अधिकतम सीटें कितनी? 20। कितना अधिकतम सीटें आपका? 20 है। कितना है जी आपका अधिकतम सीटें? 20 है। नेक्स्ट है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? किसका? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? स्पीकर या अध्यक्ष होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो, अध्यक्ष का भी और उपाध्यक्ष रिक्त हो, तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, कौन करेगा जी?
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य, उन्हीं के सदस्यों द्वारा ही क्या होता है, अध्यक्षता किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्यक्षता किया जाता है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है जी? संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है जी? आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिए, कौन करता है ना? नहीं तो मैं पीडीएफ में तो दूंगा ही, इससे पता तो चले कि हाँ आप लोगों को कितना नॉलेज है। जिनको नहीं है वो तो कमेंट करेंगे सर नहीं पता, उनको मैं पीडीएफ में दूंगा, लेकिन इसका आंसर दीजिए क्या होगा। नेक्स्ट है सामान्यतः लोकसभा की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है जी? क्या कहलाता है? आपका प्रश्नकाल कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रश्न। नेक्स्ट है आप, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में टकराएगा। नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया है? देखो जब बीजेपी का पूर्ण बहुमत था, 272 से आगे था, उसने अकेले दम पे पास करवा लिया बिल। अब सबको लेके चलना पड़ेगा, गठबंधन रहेगा, बहुत दिक्कत होगा जी, बहुत ज्यादा। किसी का भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस का होता है इंडियन का, चाहे बीजेपी का, एक बनता ना, लेकिन बहुमत के साथ नहीं बनना था। बहुमत के साथ बनने से ना देश को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 33। ठीक, नेक्स्ट है यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक है? कौन निर्धारित करता है कोई सामान्य विधेयक धन विधेयक है या कौन निर्धारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? जो आम बजट है लोकसभा में कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के वित्त मंत्री, वित्त मंत्री आम बजट प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है? इसका आंसर तो आप लोग सब लोग देंगे कि भारत की जो संसद है किन के किन से मिलकर बनती है? आपका राष्ट्रपति से, लोकसभा से और आपका राज्यसभा से मिलकर बनती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जीवी मौलंकर को जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में जो आदर्श आचार संहिता, जो भी आचार संहिता लगा था, इसके कारण से बहुत चीजें जैसे पुलिस भर्ती है या वैकेंसी नहीं आई थी, कब लागू होता है? कब लागू होता है जी? कब लागू होता है? जब चुनाव तारीख की घोषणा के तुरंत सॉरी बाद, तब चुनाव तारीख की घोषणा के तुरंत बाद आपका लागू होता है। नेक्स्ट है भारत में चुनाव तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? देखो कब होता है? चुनाव तारीख के ऐलान के बाद, लेकिन कौन लागू करता है? कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति लगा के नहीं आना है। नेक्स्ट है आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? कब से कब तक? चुनाव तारीख के ऐलान के बाद रिजल्ट घोषणा तक, मतलब अभी 4 तारीख के बाद क्या हो गया, खत्म हो गया आचार संहिता। ठीक, नेक्स्ट है भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया है? राष्ट्रपति ने कितने लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया है? कितने जी? एक भी नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब कौन से संविधान संशोधन को इसको संशोधित करके हटाया है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में लोकसभा का गठन का प्रावधान है? 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया है? आपको कमेंट करने बोला था, नहीं किए होंगे तो यहाँ पे आंसर जान लीजिए। 104वां संविधान संशोधन 1919, 1900 नहीं 2019। देखो ये भी कैसे हुआ, खुद के बहुमत से, किसी थर्ड पार्टी दूसरे पार्टी को पकड़ना नहीं पड़ा, बहुमत से बहुत कुछ होता है जी। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, ये भी बहुत बार पूछा है, सीधे बात याद रख लीजिए, रट लीजिए, चांदनी चौक। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जाता है? अपने को पता है 5 वर्ष होता है, इससे अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जाएगा जी? कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। नेक्स्ट है लोकसभा के
दो बैठकों के बीच कितने समय से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए? सबको पता है कितने का? 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। 3 बैठक होती है, 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। इस तरह लगभग हम लोग आपके कितने 35 MCQ, कितने जी आपका 35 MCQ के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सारी डिटेलिंग से। ठीक है जी, पूरा डिटेलिंग से मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अब आपका टेस्ट है, दो क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया, आप लोग कमेंट करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन है कि 2024 में लोकसभा, कौन सा 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है, कौन से क्रम का है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? अगर तनिक भी थोड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो वीडियो में नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने दो चार दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।